अभिनंदन की बहादुरी पर फिदा हुआ रूस फोन कर पूछा कैसे अभिनंदन ने उड़ा दिया मिंग 21 से F-16 को। आज हमारा पूरा देश इस बात से खुश है कि उसका शेर यानी कि भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन आखिरकार अपने वतन लौट चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है अभिनंदन के बहादुरी के मुरीद भारत नहीं बल्कि विदेशी देश भी हो चुकी है। जी हाँ, बता दे कि इनकी चर्चा न केवल भारत में हो रही है बल्कि दुनिया भर में यह खूब नाम कमा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि विदेशी देशों में पाकिस्तान भी शामिल है जो अपने हिरासत में रख के भारतीय जवान के हौसले की तारीफ कर रहा है। बात ही कुछ ऐसी है कि हर किसी के जुबान पर अभिनंदन का नाम आने से रुक नहीं पा रहा है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अभिनंदन ने मिंग 21 से F-16 को ढेर कर दिया था। जी हाँ, आपको शायद पता नहीं होगा कि अभिनंदन ने फोर्थ जनरेशन के फाइटर जेट को 60 के दशक के जेट से गिराया। यही वजह है कि उनके इस बहादुरी की चर्चा हर जगह हो रही है। इस घटना से सभी हक्के बक्के हैं और रूस में काफी ज्यादा हलचल है। यह तो सच है कि रूस के भारत के साथ काफी ज्यादा गहरे संबंध है और यही कारण है कि रूस विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर काफी उत्साहित है। रूस के राष्ट्रपति पुनित भी विंग कमांडर अभिनंदन के तेज दिमाग और हुनर के कायर हो गए हैं। मिंग 21 से F-16 को खत्म कर देना इतना आसान नहीं है और ना ही इसे हर कोई कर सकता है, लेकिन अभिनंदन ने जो किया वाकई काबिले तारीफ है। इस घटना से रूस को भी अमेरिका पर मानवैज्ञानिक बढ़त मिली है। इसके बाद रूस के राष्ट्रपति भारत के इस शौर्य से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पीएम मोदी से फोन पर बात भी की। जी हाँ, उन्होंने इस दौरान चर्चा की मिंग 21 से F-16 को उड़ाया गया है। इसमें पाकिस्तान में जितनी खलबली मची है उतना ही अमेरिका में भी हलचल बढ़ गई है। आपको बता दें कि मिंग 21 को रूस ने करीब 1998 में बनाया था और दूसरी ओर F-16 1998 का बना जेट है। इन दोनों की खासियत अपने आप में है, पर जानकर हैरानी होगी कि मिंग 21 की कीमत सिर्फ $2 मिलियन है तो वहीं एक F-16 $18.8 मिलियन का है। यही कारण है कि इन दोनों की रफ्तार में भी काफी अंतर है। भारत को उन पर गर्व है, पाकिस्तान भी उनके साहस और वीरता को देखकर हैरान रह गया। भारतीय कमांडर जब पाकिस्तान की जमीन पर पहुंचे तो उन्हें पता नहीं था कि वो पाकिस्तान में हैं और उन्होंने भारत के लिए नारे लगाए। जब उन्हें सच पता चला तो भी उनके चेहरे पर शिकस्त नहीं आई और वो गर्व के साथ अपनी बातें बोलते रहे। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट कर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।